सहारनपुर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर रालोद कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक दल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के 90 करोड़ किसानों की भावनाओं की कदर की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से गठबंधन पर कहा कि बीजेपी में हम नहीं जा रहे हैं, ना ही कभी जा सकते हैं। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आज वो भारत रत्न मिलने से आज हम लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और साथ में मोहल्ले वाले भी थे, सब लोगों ने लड्डू बांटे हैं। खुशी मनाई है, आज चौधरी साहब को सम्मान मिला है। ये सम्मान देश के 90 करोड़ किसानों का सम्मान है और इसके हकदार थे चौधरी साहब। और ये भारत रत्न तो चौधरी साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि चौधरी साहब ने हमेशा किसानों के लिए लड़ा, किसानों की आवाज उठाई, किसानों को न्याय दिया, किसानों के लिए लड़े, किसानों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया। इस देश में किसानों की पहचान चौधरी चरण सिंह जी ने कराई, तो बहुत बड़े देश के महान किसान नेता हुए।